खुदा महफूज रखे इन तीन बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। आप तो गैरों की बात करते हैं, हमने अपने आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जिसे आपको हटाने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं, मार्केट से हटाने वाली नहीं, मार्केट वाली तो ठीक है। अब ये वीडियो जो है 10 तारीख के बाद बनेगी, 10 नवंबर के बाद। तो गाइस फाइनली आज जा रहे हैं मनोज भाई से मिलने और पहुंच चुके हैं नेहरू पैलेस और यहाँ से जा रहे हैं यूनियन बैंक की तरफ। को अपना साइकिल लगाते हैं फूड का, तो जा रहा है आज मिलते हैं। और कुछ यूट्यूबर आपके बारे में बोल रहे हैं कि मनोज भाई ये कर रहे वो कर रहे, एटीट्यूड आ गया वायरल होने के बाद, पता नहीं क्या क्या व्यूज के लिए क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये लोग मेरे मालिक हैं। अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, आप ही हैं तो नेगेटिव लूज बात पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है? आप आगे की तरफ देखेंगे, आप आगे की तरफ देखेंगे। अब उनका अगर काम नहीं चल रहा है या गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो इल्ज़ाम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अभी एक ने दो ने इल्ज़ाम लगाया तो फिर क्या करेंगे? मैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो सही तो करना पड़ेगा ना। आपके घर में चाहे आपका फादर हो, माँ हो, बेटे हो, या आप ही गलत कर रहे हैं तो किसी वो तो जहर पिएगा ना। फिर जो सही करने उतरेगा तो वो जहर सोचता है कि यार ये गलत हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमने उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया। सही बात है। किसने लगाया और किसकी वजह से परेशान है? तो गाइस यार अपने व्यूज के लिए मनोज भाई को बदनाम मत करो यार, ये हार्ड वर्किंग करते हैं इतना। अभी देखिए ये भाई साहब बिहार से आए हो, आपके चैनल का क्या नाम है? अजमत अली अब्दुल आर्या के हैं ये भैया, ये बिहार से आए हैं। 3 दिन से ये कन्नम कहते यहीं रुके हुए थे। इनको भी बोला मैंने ब्लॉग वगैरह, सबको मैंने बोला, सबको बोला मैंने ब्लॉग बंद करने के लिए, लेकिन कुछ गलत हो रहा सही तो होगा। बचे वो नहीं है कि मेरे ऊपर नहीं है इल्ज़ाम लगा वो नहीं है, लेकिन तो इल्ज़ाम लगता है आपसे तो आपको तकलीफ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, मेरे मुर्दे पे वजह से कितने यूट्यूबर मरे मुर्दे आपके बारे में गलत बोल सर जी, मरे मुर्दे पे मिट्टी गिर गई। अच्छा। तो क्या फ़ायदा, अब कहाँ जाऊँगा मैं? आप समझिए एक बात को पकड़ ली कि बेटा कुछ टाइम के लिए ये यूट्यूबर बंद कीजिए, प्रशासन में भी जो भी है उसकी वजह क्या कि आपके ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगा सकता है थम्बल, जैसे 70 लाख का या 5 लाख जो भी उन्होंने किया स्कैम वाला, स्कैम वाला तो कह रहा है कि कल को कोई बम भी छोड़ सकता है, कोई कारतूस भी छोड़ सकता है, कोई अफीम भी छोड़ सकता है। अगर आपके आसपास में मिली तो मैं उठा के आपको धर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं। इसीलिए हाँ, त्योहार का टाइमिंग है, चाहे वो मार्केट वाला ही रख दे, फंसेगा कौन? यूट्यूबर और मनोज, आप समझिए ना बात। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम से थोड़ा टाइम मिल जाएगा मेरे को। देखिए यूट्यूबर की इज्जत मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला, तो हर एक वीडियो में बोलते हाँ, मेरे को इनकी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। किसी यूट्यूबर ने किसी यूट्यूबर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया था, टाइटल लिख दिया था, मैंने एक दिन के अंदर सॉल्व किया उसे। भैया इधर आ जाओ, ये चीज़ इंस्पिरेशन है मनोज भैया, यूथ के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन। नहीं नहीं सर देखिए, मेहनत कौन करे? मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर कोई बंदा वायरल होता है उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, वो मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन आप नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो सबके हाथ भी जोड़े, मैंने सबको बोला आज ये भाई है जो अब ये अच्छा। इसी परेशानी से कुछ अच्छे लोग भी हैं, आप ही की बात को जो स्कैन वगैरह वो ले गए मेरे को BMW में ले गए, उन्होंने अच्छी जगह प्लान किया। अभी ये भैया भी कह रहे थे कि कुछ बेटा रोटी मिल जाएगी और कड़ी मिल जाएगी। दो प्लेटें खराब कर दी यार अंकल, आप दो दे देते हो प्लेटें यार। अच्छा अच्छा, देख लियो एक महीने के अंदर अंदर उसका। आप वैसे कितने यूट्यूबर बन गए? नहीं नहीं सर बन गए तो, लेकिन गलत तो ना डालें। लेकिन वही है ना कि गलत ना। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने किसान देखा, बाबूजी किसान तो देखा होगा, एक किसान वो है खेती बो रहा है और मुट्ठी में बीज भर के ऐसे फेंक रहा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर किसी के लिए बोलता हूँ, और एक खेती बो के ऐसे लाइन से डाल रहा है तो लाइन वाला ही तो अच्छा है ना बाबूजी, लाइन वाला। तो ये जिंदगी आपके हाथ में, इसे बिखेर दो या रास्ते पे ले आओ। सक्सेस भी आपके हाथ में है, नुकसान भी आपके हाथ में है, इसे वक्त और किस्मत का नाम मत दो। आप जितनी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी के पीछे सच है, सच के पीछे भगवान है। बिल्कुल सही बात, आपके काम सीधे होते चले जाएंगे, ईमानदारी से काम करो ना। क्यों 7 साल तक का बच्चा क्यों नहीं झूठ बोलता? कुदरती है ना भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप ये भी तो देखिए ना, मेरे में एटीट्यूड होता तो मैं किसी से भी नहीं मिलता यार। वही तो,
इतने यूट्यूबर आते हैं भाई के साथ वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मना नहीं किया, लेकिन कुछ व्यूज के चक्कर में कुछ यूट्यूबर इनको गलत सलत मतलब सर गलत तो गलत ही है ना, स्कैम का वो लगाते हैं इल्जाम। चलिए कोई नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कुछ भी किया, लेकिन सर अगर किसी चीज़ का प्रेशर है, कोई चीज़ को आदमी कह रहा है तो उस चीज़ को पहले समझिए। अगर समझेंगे नहीं, गुस्से में रहोगे, घमंड में रहोगे तो नुकसान ही होना ना। बिल्कुल, कलेश से झगड़े से किसका फायदा हुआ? किसी का हुआ है, अपना नुकसान ही है। जवान ने महाभारत करा दी थी, छोटी सी बात में बोला उसने, क्या नाम कहते द्रौपदी ने, कि अंधे का बेटा अंधा हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा खल्लास। तो मनोज भाई हम लोग बिहार से आए हैं, आप टाइम दे उसके लिए बहुत। नहीं नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, कल अगर आपसे कोई हुआ उस रहा हो, भैया से हुआ हो, मैं सबसे माफ़ी चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है तो हर के टाइम से। ये मेरे पड़ोसी हैं, इनसे पूछिए मैं कैसे रहता हूँ। आइए अंकल, आओ इधर आओ, जल्दी आ जाओ। अरे आओ यार, अब जब मरे मुर्दे पे मिट्टी गिर गई है साली, अब काय बात का घबराना है। अंकल जी अब ये हमारे अंकल जी हैं, 32 साल से मेरे पड़ोसी हैं, पूछिए मेरा व्यवहार कैसा और पहले क्या था और मैं आदमी को आदमी नहीं समझता था पहले जब काम चलता था, पूछो। और अब कैसा? अब थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गए हैं लोग, बाग इनको थोड़ा देख रहे हो, पूछताछ के परेशान कर रहा है, अभी नहीं आएगा, नहीं है, काम काज चल रहा है, सेल भी अच्छा है। थोड़ा पहले के बारे में बताओ। पहले बिजली का काम करते थे, मोटर बाइंडिंग का, बहुत तगड़ा काम था, अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। पहले आदमी कैसा था और अब कैसा हूँ वो बोलो। अब पहले थोड़ा गंभीर थे, अब थोड़ा चिड़चिड़ा हो गए। अब एक शेर बोलता हूँ आपको, आप तो अपनों की बात करते हैं, हमने नहीं, आप तो गैरों की बात करते हैं, हमने अपने आजमाए हैं, और लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जिसे अपना समझते हैं ना आप, वही धोखा कर धोखा देता है। खुदा महफूज रखे इन तीन बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। मूड भी तो आप ही ने सिर्फ बनाया है। क्या बोले सर? सर मैं 11:30 बजे तक आ जाता हूँ, 11:45 बजे तक, 3-4 बजे तक सारा खत्म। जाने का टाइम नहीं है, कोई आने का तो फिक्स है। सर मैं आपको अब एक शायरी बताता हूँ जो मैंने सीखी आप लोगों से यहाँ पे आके। नहीं पहले मैं क्या था, मतलब का आदमी था। अबे तेरा काम प्यारा है, तेरी जान प्यारी नहीं है। वक्त मैं अपने ग्राहकों को, अपने उसको लेबर को यही बोलता था, 12-12 एम्ब्रॉयडरी की 20-20 मशीनें की लगा रखी थी। मैं उन्हें ये कहता था तेरा काम प्यारा है भाई, तेरी जान प्यारी नहीं है, ये पैसे पकड़ पहले, लेकिन काम पूरा करके दे। उनके ऊपर अच्छा करते थे तो परेशान करता था, बुरा करते, अभी बोला ना उन्होंने, आप तो गैरों की, एक शेर बताता हूँ अब इसमें आया, आप तो गैरों की बात करते हैं, हमने फिर बुलवाओगे इनको तो बोल दिया। आप तो गैरों की बात करते हैं, हमने अपने आजमाए हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जिसे अपना समझेंगे वही धोखा देगा। आदमी को पैसा तो कमाता ही कमाता है, उसे इंसान भी कमाना पड़ता है। इंसान कमा लो उसके बाद उसको दीमक की तरीके खा जाओ। आप दूसरी बात सुनिए, जिंदगी तुझको इस मोड़ पे ला ही देंगे, तू हमें कुछ भी ना दे, हम तो वफा ही देंगे। जितने मर्जी तू धक्के दे दे, हम तो तुझे ईमानदारी देंगे। देखो मैं क्या था, घमंड में रहता था, और अब वफा दे रहे हैं उसको। आज मुझे प्रशासन से आज थोड़ी सी मेरे को छूट मिली है, तो ठीक है। अब ये वीडियो जो है 10 तारीख के बाद बनेगी, 10 नवंबर के बाद से, ठीक है सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों अगर वीडियो बनाना हो तो 10 नवंबर के बाद आना, क्योंकि थोड़ा सा वो सिक्योरिटी पर्पज से मनोज भाई थोड़ा मना कर रहा है, और थोड़ा सा मार्केट का घूम रहा है, मार्केट का फेस्टिवल चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो आप आए तो थोड़ा सा 10 नवंबर के बाद से आए हैं। एक मिनट जरा, भैया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत दूर से आए हैं। हमारे जैसे गरीब आदमी इन्हीं लोगों का नमक खाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई अहमियत नहीं देता है। तो दोस्तों मनोज भाई के कहने पे अब तो सब्सक्राइब कर, फादर ने बेटे को गाड़ी लेके दिया, ये बेटा ये नहीं कहता मेरे फादर की, बोलता ना मेरी है। तो इन लोगों को पहचानी है सर, बहुत दूर से आते हैं। इन लोगों के लाइक को कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि हाँ एक बात पब्लिक से जरूर कहूँगा, फंड करने के लिए परखिए, समझिए और फिर आगे दीजिए।
मजबूर आदमी की, एक्चुअल आदमी की जरूरत कीजिए। मैं तो इसमें खुश हूँ, मेरे को किसी यूट्यूबर को नहीं निकाला फंड के लिए, किसी मजबूर आदमी की मदद कीजिए। जैसे बैंक इंक्वायरी करता है, शादी करने जाते हो इंक्वायरी करते हो, वैसे कीजिए। ठीक है सर, और बताइए और सेवा।